नमस्कार दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला मैमल पैंगोलिन, आप इसे ज्यादातर नेपाली इसको जानते नहीं होंगे, पर ये नेपाल में भी पाया जाता है। ये दिखने में काफी अलग है, कुछ कैट के बराबर छोटे होते हैं तो कुछ डॉग के साइज के बड़े भी होते हैं। पर इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। पर क्यों, इसको आप जानकर शायद बहुत दुखी हो जाए और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। और नेपाल से भी इनकी तस्करी होती है, लेकिन वहां पर कुछ प्रोटेक्टर्स भी हैं जो कि इनको बहुत मुस्तैदी से बचा रहे हैं, जिनकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये नेपाल में कहां पाए जाते हैं, इनकी तस्करी कौन कर रहा है, किन वजहों से कर रहा है और इसके पीछे के फैक्ट्स क्या है, इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल और नेपाली एनवायरमेंट और कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, चाहे वो टाइगर्स का कंजर्वेशन हो और चाहे ये पैंगोलिन्स का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन पैंगोलिन्स को और इनकी स्थितियों को। दोस्तों, आप सब सुनके शायद शॉक हो जाओ, ये छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला मैमल पैंगोलिन, जो कि हम इंसानों को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाता है इंसानों द्वारा। दोस्तों, इन पैंगोलिन्स के शरीर के ऊपर होते हैं हजारों की संख्या में स्केल्स, जिनकी वजह से ये अपने शिकारियों से बचता है, क्योंकि स्केल्स काफी हार्ड होते हैं। और जब डिफेंस की बात आती है तो पैंगोलिन्स खुद को रोल कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं और एक बॉल का शेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो हार्डर पार्ट बाहर हो जाता है और इनके शिकारी जानवर जो होते हैं वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं और ये हर एक शिकारी से खुद को बचा लेता है। लेकिन एक ऐसा जानवर जिससे ये पैंगोलिन खुद को नहीं बचा सकते, जो कि है ये इंसान। कुछ अप्रोक्सीमेट डेटा कहते हैं कि 2010 से लेकर 2023 के बीच में 20 लाख से भी ज्यादा पैंगोलिन्स की तस्करी की जा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये तस्करी काफी शातिर रूट्स के जरिए होती है, ये चेंज होती रहती है, जिसके कारण इनको पकड़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि इन पैंगोलिन्स की तस्करी आखिर होती क्यों है, क्यों इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और आखिर इनकी तस्करी करके इनको कहां ले जाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनको मारने के पीछे दो मेन कारण है, सबसे पहला सो कॉल्ड मेडिकल यूज और दूसरा लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। और इनके बने हुए प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना साथ ही साथ वियतनाम में होती है। तो इन तस्करी की वो पैंगोलिन्स के ऊपर की जो हार्ड लेयर होती है, यानी कि जो स्केल्स होती है, इनको ये तस्कर निकाल लेते हैं और इसको पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसको चाइना में ट्रेडिशनल कल्चर के नाम पर एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। ये लोग इसको यूज करते हैं एर्थराइटिस में, स्टिमुलेटिंग लैक्टेशन में, कॉन्वल्सियंस में, फाइनेंशियल रिचुअल्स में, स्टमक डिसऑर्डर्स में, मेंसुरेशन पेन्स में, साथ साथ घाव में भी यूज करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं, साथ साथ चाइनीज कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज किया जाता है। पर आपको बता दें कि इन सभी यूजर्स का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, यानी कि कुछ भी किया जा रहा है इन ट्रेडिशंस के नाम पर और इन पैंगोलिन्स को मारा जा रहा है, क्योंकि इससे साइंटिफिक तौर पर कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, साइंटिफिक सच्चाई तो यही है कि जो पैंगोलिन के स्केल्स होते हैं, ये बने होते हैं कैरेटिन के, और ये वही मटेरियल है जो कि हमारे नाखूनों में होता है, यानी कि जो हमारे नेल्स हैं, ये कैरेटिन के ही बने होते हैं। यानी कि पैंगोलिन के स्केल के पाउडर को यूज करना उतना ही इक्वल है जितना हमारे नाखून को काट कर उसका पाउडर बनाकर यूज कर लें, और हम माने कि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ये ट्रेडिशनल मिथ है जिसको सही करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इन चीजों की वजह से बहुत सारे पैंगोलिन को मार दिया जाता है, जो कि बहुत दुखद है। और इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन पैंगोलिन्स के स्केल को यूज करना नाखूनों को यूज करने के बराबर ही है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत सारी अवेयरनेस फैलाएगा पैंगोलिन्स को लेकर। दोस्तों, इसके अलावा इन पैंगोलिन्स के साथ और ज्यादा गलत चीजें हो रही, जिसको सुनकर मुझे और ज्यादा दुख हुआ, और वो ये है कि लोग इन पैंगोलिन्स के फीटस को खा रहे हैं, यानी कि अनबॉर्न बेबी को खा रहे हैं, माँ की कोख में पल रहे बच्चे को खाया जा रहा है, और इसको सूप के फॉर्म में लोग खाते हैं। लोग मानते हैं इससे मर्दानगी बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इन सब चीजों के लिए ही माँ पैंगोलिन को मार दिया जाता है उसके कोख में पल रहे बच्चे के साथ, क्योंकि उनको उसको खाना होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा घिनौनी चीज है जो कि इन पैंगोलिन्स के साथ हो रही है। ये सब सोच के कितना क्रूर और दर्दनाक लगता है कि एक अनबॉर्न बेबी को, जो कि माँ की कोख में, उसको मार के खाया जाता है अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्टैमिना के नाम पर, जो कि एकदम बकवास है। और इन्हीं चीजों की वजह से ये पैंगोलिन फीटस काफी महंगे बिकते हैं और इनकी काफी ज्यादा डिमांड होती है मार्केट्स में, और इतने महंगे बिकते हैं कि इसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये एशिया के कई पार्ट्स में खाया जाता है, जैसे कि चाइना और वियतनाम, और इन जगहों पर इन पैंगोलिन फीटस को खाना एक सोशल स्टेटस माना गया है, यानी कि बहुत अमीर है आप तभी आप इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंसानी लोगों का सबसे गिरा हुआ और सबसे घटिया काम है। दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर ही इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में वोटिंग होती है, और उसके बाद पैंगोलिन्स के कोई भी बॉडी पार्ट स्केल्स को ट्रेड करना इलीगल कर दिया जाता है और पैंगोलिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में
डाल दिया जाता है क्योंकि ये खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। इन सब चीजों के बावजूद में इनकी पोचिंग में यानी कि तस्करी में थोड़ी भी कमी नहीं आई है और ये हमेशा बढ़ती ही रही है। 2019 में 2 लाख से भी ज्यादा पेंगुइन्स की तस्करी की गई और ये तब हो रहा है जब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में है और इनकी तस्करी हर जगह हो रही है जहां पर ये पेंगुइन पाए जाते हैं इंक्लूडिंग नेपाल। पर वहां पर कुछ प्रोटेक्टर्स हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि इन पेंगुइन से हमें क्या फर्क पड़ता है, खत्म होना है तो खत्म हो जाए, एक जानवर की स्पेशीज ही तो है। लेकिन ये पेंगुइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। दोस्तों ये पेंगुइन्स आमतौर पे इंसेक्ट्स और टर्माइट्स को खाते हैं यानी कि दीमक को खाते हैं, क्योंकि हमारे किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर इन पेंगुइन्स की जनसंख्या जिस जगह पर ये पाए जाते हैं वहां पर कम हो जाएगी तो वहां पर कुछ कीट की कुछ इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जरूर बढ़ जाएगी। साथ ही ये पेंगुइन्स दुनिया के कई सारे हिस्सों में पाए जाते हैं जिनको आप इन मैप्स पर देख सकते हो। साथ ही साथ इनकी 8 प्रजाति दुनिया भर में पाई जाती है जिसमें से इनकी प्रजाति चाइनीज पेंगुइन और इंडियन पेंगुइन नेपाल के रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा ग्राउंड पेंगुइन, ट्री पेंगुइन, जाइंट पेंगुइन, लॉन्ग टेल पेंगुइन, फिलिपिन पेंगुइन, संडा पेंगुइन, ये टोटल 8 प्रजाति हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। नेपाल में इन पेंगुइन्स को वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स के लोअर लैंड में पाया जाता है जैसे कि नेपाल में बारीदई, बंकी, चितवन, परसा, शुक्ला फंटा नेशनल पार्क और ऐसी कई जगह जहाँ पर इन पेंगुइन्स को पाया जाता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इन एरिया में रहने वाले उन कॉमन लोगों का और वहाँ की लोकेलिटीज का जिन्होंने इनके प्रोटेक्शन में दिन रात एक किए और लिटरली इनके प्रोटेक्शन में काफी बड़े काम किए। और इन विलेजर्स और कम्युनिटी लीडर्स ने दुनिया को तरीके सिखाए कि कैसे इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिसमें कई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन लोग हैं, कॉमन विलेजर्स हैं और बहुत सारे यूथ भी हैं जो कि नेपाल में इन पेंगुइन्स को बचाते हैं क्योंकि इन पेंगुइन्स को तस्करी करके चाइना भेजा जाता है। और हाल ही में चाइना के शिनजियांग प्रांत में 13.1 टन के पेंगुइन्स के स्केल को पकड़ा गया जो कि इन तस्करों ने ही भेजा था, जो करीबन 20,000 अफ्रीकन पेंगुइन्स को मार कर निकाले गए थे। तो नेपाल के चुरी हिल्स जो कि यांगशिला में लोकेटेड है, यहाँ के टॉपोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटीज है। करीबन 500 से भी ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज के मैमल्स, रेप्टाइल्स, ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहीं पर नेपाली यूथ की एक होनहार टीम भी है जिसको लीड करते हैं गंगा लिंबू। उनके साथ बहुत सारे नेपाली यूथ भी हैं जो कि इन पेंगुइन्स के सच्चे दोस्त हैं। जिसे नेपाली यूथ की टीम वो करती है जो कि और यूथ शायद नहीं करते इस दुनिया में। दोस्तों ये कंडक्ट कराते हैं पेंगुइन्स क्लासेस लोकल स्कूल्स में। सेकेंडली ये वीडियोस और इमेजेस के जरिए लोगों को अवेयर कराते हैं इन पेंगुइन्स को लेकर, इनको बचाने को लेकर। और इन्हीं की वजह से कई आम लोगों ने इन पेंगुइन्स को बचाया है और प्रोटेक्ट किया है, जिनमें से एक है 13 साल के खटका बहादुर मगर जो कि स्कूल से अपने घर जा रहे थे और उनको रास्ते में दिख गई एक पेंगुइन की फैमिली यानी कि एक पेंगुइन मदर और उनके बच्चे। तो खटका बहादुर मगर ने इन पेंगुइन को वहां से सेफ लोकेशन पर डिसलोकेट किया और उसके बाद वो हर रोज उन पेंगुइन को गार्ड करते थे उनके गड्ढे के पास, उनके बोरो के पास, जिससे उनकी तस्करी कोई ना कर सके। और इसी बहादुरी और नेक दिली के लिए खटका बहादुर मगर को वर्ल्ड पेंगुइन डे के दिन सम्मानित भी किया गया यूथ पेंगुइन प्रोटेक्टर अवार्ड के जरिए। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है कि ये वर्ल्ड पेंगुइन डे आखिर कब होता है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को लिख के जरूर बताइएगा। अब देखते हैं आप में से कितने लोग अवेयर हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे के बारे में और इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो में लास्ट में। तो अभी कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड पेंगुइन डे कब होता है। तो चलिए थोड़ा सा डीप डाइव इन करते हैं कि इन पेंगुइन्स को प्रॉब्लम क्या है और इसकी तस्करी इतनी आसानी से कैसे हो जा रही है। तो इन पेंगुइन्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इन पेंगुइन्स के घर नहीं बच रहे, यानी कि वो जंगल नहीं बच रहे, वो हैबिटेट नहीं बच रहे जहां पर ये पेंगुइन्स सेफ हो। इनके हैबिटेट खत्म होने की वजह से ये इंसानों के एरिया में भी आ जाते हैं जिसकी वजह से इनकी पोचिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी बात, ये खुद को इंसानों से बचा नहीं सकते, इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इंसानों से बच सके, इसीलिए ये बहुत आसानी से इंसानों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तीसरी चीज, इनकी पॉपुलेशन खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन साइकिल 1 साल में होता है, यानी कि एक पेंगुइन 1 साल में एक बच्चे को पैदा कर सकता है। और अगर उसकी पोचिंग हो जाती है फीडर्स की वजह से तो कहीं ना कहीं एक पेंगुइन नहीं 2 पेंगुइन एक साथ मार दिए जाते हैं। तो इसीलिए इन पेंगुइन्स के नंबर ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ पाते जितनी तेजी से इसकी पोचिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा घट रही है और इसीलिए ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में से है। पर आप इसे बहुत लोग सोचते होंगे कि इस जानवर की आखिर हम क्यों केयर करें।
क्योंकि दोस्तों जो पैंगोलिन्स की तस्करी करने वाले तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं और जानवरों की भी तस्करी करते हैं, जैसे कि एलिफेंट के टीथ की, राइनो के हॉर्न की, और ऐसी बहुत सारी तस्करी होती है जो कि ये लोग करते हैं जिसकी वजह से जानवर मरते हैं। तो इन पर लगाम लगाना उतना ही जरूरी है क्योंकि ये पूरे जानवर और स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये कुछ पैंगोलिन्स हैं जिनको रेस्क्यू भी करती है बहुत सारी टीम, और उनको बचा लिया जाता है बहुत सारे तस्करों से, जिसके बाद उनको वापस जंगलों में छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इन पैंगोलिन्स और साथ ही साथ और भी जानवरों की तस्करी होने से रोकने के लिए। और अगर ये चीजें हमारे सामने होती तो हमको इसको रोकना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये सारी चीजें करना जरूर चाहिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट्स को इसको लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और अगर आप अपने स्तर पर इसको लेकर अवेयरनेस फैला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक इस अवेयरनेस को और ज्यादा बड़ा कर सकते हो। साथ साथ नेपाल में जो सरकारी अफसर बैठे, यानी कि गवर्नमेंट जो रूलर बैठे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सख्त नियम बनाने चाहिए इन तस्करों को लेकर। और अगर ऐसी चीजें नहीं की जाएंगी तो इन छोटे से क्यूट से पैंगोलिन्स को धरती से गायब होने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हो? अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती, थोड़ी भी नॉलेज मिलती, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी नॉलेज और अवेयरनेस सभी तक पहुंच सके। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए NI News with शिवम।